ये देखो जूस, इसे कहते हैं जूस बुरास का, आपको भी पीना था हमारे घर आ जाना। ये है राय माट। तो इनसे पूछ लो, आलू भी बहुत सारे, गोड़ाई उड़ाई होगी आलू की। और सामने देखो सारी पत्तियां झड़के, नए पत्ते आ रखे, तो बहुत ज्यादा हरियाली लग। तो कैसे आप लोग, आप सुबह मेरे प्यार बड़ा नमस्कार। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत होती है सुबह 11 बजे से, तो दिखाते हैं आपको क्या चल रहा है गांव में। आज संडे, तो संडे में हमें मार्केट भी जाना है, तो दिखाएंगे आप। तो हम इधर से जा रहे थे तो यहाँ पे निरली आ रखी है, देखो दिखाते हैं आपको। तो गाइस अभी ये बोलने के मूड में, जंगल से आए। जंगल से क्या लाए आप? पत्ते लाए यार, जिसको बोलते हैं सूले। पत्ते मतलब सूले, जिसमें मतलब गाय बैठती है। ठीक है गाइस, पहाड़ में मतलब गोरु बाच्छा सब पालते हैं हम, तो गोरु बाच्छों के लिए बहुत काम। पहाड़ी लड़कियों के लिए तो बहुत काम होता है, मतलब ना के बराबर, ना के बराबर। अभी रील्स वाली भी तो आ रही है आजकल बारी, उनसे क्या कहना चाहोगे? ये रील्स वाली बना रही है, सरकारी जॉब वाले हस्बैंड है उनके, बनाएगी ये। हम रील्स बनाएंगे तो खाएंगे क्या? हम नहीं कह रहे हैं, हम ये सरकारी नौकरी वाले, अब जिसके हमें नहीं पता किसका सरकारी नौकरी, हमको ब्लेम नहीं होना चाहिए, ये कह रही है। हमारे हिसाब से तो हमारी वाली भी क्या पता हमारी वाली भी रील्स वाली आ जाए, क्या पता ना। हम तो कुछ नहीं कह रहे भाई, हमारे रील्स वाली आ गई तो हम तो कुछ नहीं कह रहे। हम तो कह रहे बनाओ भाई गाइस, आजकल ऑनलाइन जमाना है और खूब तरक्की करो। हमारे आमा दिख रही है, आमा का जायजा लेते हैं। कहाँ जा रही है आमा? ठीक जा रही हो? क्यों पैर है, ठीक हो गया? पैर ठीक हो गया गाइस, देखो ये एकदम चंगे हो गया, फिर से घास काटने निकल चुकी है। तो अभी इंजेक्शन सारे लगा दिए, अभी तो दो और लगाने होंगे, दो और लगा के लाना, ठीक है। ये देखो ये भी काम से आ रहे, देखो पहाड़ों में काम ही काम चल रहा है गाइस। देखो गाइस, देखो सबके हाथ में आशी दिख रही है, ये आई कलावती। तो आप कहाँ से आए, कहाँ से आए आप? ये देखो सब जंगल में फन पड़ी है, सूल बटोल रही है गाय के लिए, सूखी हुई पत्तियां, क्योंकि अब गुरु हो रो, अब सीजन आ गया ना, आजकल पत्तियां झड़ती हैं। आजकल मतलब ना जंगलों में मतलब जो पुराने पत्ते होते हैं वो गिर के नए पत्ते आते हैं, तो बहुत सारे सूखी पत्तियां हो जाती है, तो सभी लोग जंगल जा रही है। तो अभी सबके हाथ में या आसी दिख रही है या कुछ ये दिख रहा है, अभी गज्जा हज्जा। अभी प्रधान जी के पास भी पहुंच रहे हम धीरे धीरे, प्रधान जी का घर भी पड़ता हमारे रास्ते में ही, तो दिखाते आपको प्रधान जी सूल का गज्जा दिखाते हैं। इन्होंने जो सूल होते हैं ना उनके बटोलने के लिए गज्जा बना रखा है, अभी दिखाते हैं आपको, दिखा दे ठीक है। गज्जा बनाया उन्होंने, वाह वाह गज्जू देखू, रुकिया हाँ नाना थोड़ा गज्जू बना जी ने, वो सूखी पत्तियों को इकट्ठा करने के लिए इतना बड़ा गज्जा बनाया है। देखो ये वाह, ये तो कई भयंकर छे गाय, देखो ये इतना बड़ा गज्जा, मतलब पूरे जंगल के सूखी पत्तियां इसी में ले आओगे क्या? गाय कितना बड़ा बनाया है ये, सक पाएगी? सक देगी? बा मोटा मोट घाट भैया सकी देला न, हेलो ना शिकार खाएगी। मतलब आजकल सभी सिस्टम में है, मतलब कि सभी को मतलब गज्जे चाहिए, तगड़े गज्जे, मतलब सूल होल बटोलने के लिए। तो दिखाते हैं आपको, सबसे पहले तुम्हें अब अपने गांव की सीनियरी दिखानी हुई, अब यहाँ आए तो हमारे गांव की लोकेशन देखे बिना कैसे रह सकते हो आप? नहीं रह सकते ना, तो दिखाते हैं। देखो गाइस हमारे गांव की लोकेशन बहुत ही तगड़ी हो चुकी है, देखो ये बहुत हरा भरा आलू भी हो चुकी है, देखो आलू भी बहुत सारे, गोड़ाई उड़ाई होगी आलू की। और सामने देखो सारी पत्तियां झड़के, नए पत्ते आ रखे, तो बहुत ज़्यादा हरियाली लग रही है। अभी बारिश हुई रहती तो और ज़्यादा हरा भरा दिखता, क्योंकि अभी काफ़ी दिनों से बारिश नहीं हुई है, तो उतना ज़्यादा हरा नहीं दिख रहा है, जब बारिश होगी तो दिखाएंगे आपको। और यहाँ पर देखो बहुत सारे फूल भी खिल चुके हैं। कलावती फिर से तैयार हो गई है सूल लेने के लिए, ये देखो एक चक्कर और जा रही हो गया। कितने चक्कर जाते हो दिन भर में सूल लेने? सुबह हाँ, दो शाम को, बाप तीन चक्कर सूल लाने जाते हैं। मतलब पहाड़ की महिलाओं का जीवन तो तुम्हें पता है बहुत ही संघर्षशील है, जो भी कहते हो, मतलब जो भी है, मतलब काम बहुत होता है, चाहे कुछ भी कहो। या तो लड़की गवर्नमेंट जॉब में ही हो तभी फायदा है, वरना तो फिर सूल ही बटोलने में रह जाती है यहाँ की पहाड़न। तो पहाड़न तो वही है जो सूल बटोलने जाती है। अब ये खाली बायो में पहाड़न लिखने वाली नहीं, ये मतलब ओरिजिनल पहाड़न है। स्वीट होम, और यहाँ पे बैठा हमारा ये लादिन ओसामा बिन लादिन, देखो ये कितना भयंकर हो रखा आजकल, देखो ये खराबी हो रखा है। और ये मेरा लग्जरी घर गाइस, बहुत ही सुंदर है, देखो आपने देखा ही है, पहले भी दिखाया है। और कुछ कहना चाहोगी सर? क्यों सर, तुम तो ऐसे थे ही नहीं, रेगड़ू रेगड़ू नहीं जा रहे हो आजकल। ये है मेरे मामा के लड़के, और ये हमारे घर से पढ़ाई कर रहे हैं, तो इनका ही कल एडमिशन कराने गया था मैं। बात तुम्हें विकास से मुलाकात हो रही है, विकास भाई तुम्हारी बड़ी नराई लगी है सभी को, तुम्हारे कान में दर्द हुई है बोल, क्या हुआ है कान में? पका था? हाँ। क्यों कच्चा क्यों नहीं है? पका है तो अब खा लो कान। कैसे खा ले? ऐसे पढ़ो घप करनी खा लो। तुम भी तो खा लेते। बिपन कहाँ है? बिपन ग्वाला गया है। बिपन ग्वाला गया है, देखो बिपन।
किया है क्योंकि उसको गाय बच्चिया बहुत ही पसंद है। वो मतलब गाय हाय पालने में बहुत इंटरेस्टेड है, तभी वो ग्वाला गया हुआ है। वैसे उसका पढ़ने में तो मन लगता नहीं है, बल उसको गाय हाय ग्वाला जाना बहुत अच्छा लगता है। हमारे बड़े भैया अब जा रहे हैं 12 तारीख को, तो अब हमारा भैया के साथ थोड़ा घूमना हो रहा है, मार्केट जा रहे हैं भैया और मैं। घूमना क्या, थोड़ा काम है, तो दिखाते हैं मार्केट में क्या क्या लाते हैं। आज संडे है बट ज़्यादा कुछ तो होगा नहीं, बट भैया का काम है तो हम जा रहे हैं। भैया का क्या जूस वूस भी लाना है, हमारा जूस बन चुका है गाइस, बुरास का जो बनाया था अभी दिखाते हैं। क्योंकि लोकेशन यहाँ की तरफ से ऐसा दिखता है, देखो गाँव में बहुत हरा भरा हो गया। वो हमारा घर देख सकते हो आप उधर पे, वो हमारे भाई साहब आ रहे हैं उधर से बाइक में, दिखाते आपको। वो देखो ओ लुटाट करके आगे है स्कूटी में, तो उनके साथ जाएंगे मार्केट को। तो देखो ये हमारे गैस हमारे नवाब साहब आ चुके हैं स्कूटी लेके, तो जाएंगे आज हम दोनों भाई एकदम सिस्टम हैंग करने बाजार, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। चला गया ब्रो, चले फिर, चलो फिर एक ही कहा है। हाँ ठीक है, चलो फिर मिलते हैं। हाँ गैस, आज बकरी का लेन देन होगा। हम पहुंच गए मार्केट में, तो अब करते हैं मार्केट में जो भी काम है आज। हम अभी थोड़ा देखो अभी क्या होता है। चंपावत के मार्केट में मोहित लोग बहुत परेशान दिख रहे हैं, क्या हुआ सर? ज्यादा परेशान लग रहे हो मोहित भाई, क्यों लग रहे हो परेशान? बाइक चोरी हो गई है। गाइस इनकी बाइक चोरी हो गई है, बहुत परेशान है, तो थाने में रिपोर्ट लिखा देंगे हम, टेंशन मत लो ठीक है। गाइस गाइस इनकी बाइक खो चुकी है। ले जा रहा है पनीर इधर से, कितनी ले जा रहा है? 1 किलो कर ले, 1 किलो कर ले, 1 किलो बहुत है अभी। परिवार भी बड़ा हो गया आजकल गाइस, तो 1 किलो से नहीं तो आधे किलो से काम चल जाता, बट परिवार के हिसाब से। ये हमारे दादा की दुकान है बालेश्वर स्वीट्स, कभी भी आओ उचित दाम पे मिठाई, उचित दाम पे मिठाई ले जाओ यहाँ पे, हम तो इधर ही से ले जाते हैं। और ये चंपावत की फेमस चॉकलेट और वो बाल मिठाई, और दुकान का दुकान दिखा दे आपको। ये देखो बालेश्वर स्वीट्स रेस्टोरेंट मिल रही है भाई के, गाइस इनकी बाइक चोरी हो चुकी है। और ये ओ पड़ाकू लाइब्रेरी से आ रहे हैं देखो ये, और ये प्रदीप डॉन, और ये अभी देखो बेसबॉल डॉन तभी रखा है इसका नाम। लो, ये देखो गाइस डॉन लोगों के काम है, पकड़ो इसको अपना। और कौन ने ले आज देखो ये पढ़ रहा है आजकल, बहुत ही अग्निवीर बनते अगले साल मुझे लग रहा है। गुड 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 गुड, प्राउड ऑफ यू ब्रो, प्राउड ऑफ यू, बिल्कुल बिल्कुल। पनीर तो पनीर लिया थोड़ी हमने, बट दिन में हम बना रहे हैं मछली गाइस, मछली भी ले गया पनीर रात को, मतलब राजा मोक जय राजा लो, जब तक अच्छे भी रूबा हिट दिल फिर बात खाएंगे हम आलू का थेचवा गाइस। आज तगड़ी शॉपिंग हो रही है हमारी ठीक है, आज हम जा रहे हैं राय मार्ट में जाते हैं आज ठीक है। राय मार्ट से कुछ लाना है, कुछ प्यूरिल नहीं मिल रहा है, मुझे तो नहीं पता क्या होता है भाई। ये है राय मार्ट भाई ले रहा है, पता नहीं क्या ले रहा है, देखते हैं। भाई क्या ले रहे हो तुम? ये ओके आलू का थेचवा खाने वाले, हमें क्या पता क्या क्या पड़ता है पनीर में, मतलब हम तो बस बनाया हुआ खाते हैं और घर में भी बनाते हैं, तो मैं तो बनाता नहीं हूँ, पापा लोग ही बनाते हैं। ये अनसठ चीज नहीं डालते हैं, पता नहीं क्या क्या डाल रहे दाल सैफ हुए अब तो। वह आलू का थेचवा खाने वाला ठीक है, तो मतलब कभी बनाया नहीं मैंने, मतलब पापा लोग ही बनाते हैं पनीर भी, मुझे तो आता नहीं है, मुझे तो खाना आना बनाना ज़्यादा आता नहीं है, आता है थोड़ा बहुत आता है, वो भी नॉर्मली पनीर हनीर नहीं आता है, जब घिनना हो जाता है पनीर मेरे कहीं ने, तो ज़्यादा कुछ पता है नहीं हम तो। आलू का थेचा एकदम बेस्ट बनाता हूँ, आलू का थेचा मेरा हाथ का खाना, मज़ा आ जाएगा तुम्हें। आलू का थेचा किसी ने खाया है गाइस? ये या बादाम ड्रिंक, इसे पीने में बहुत ही सुकून मिलता है और बहुत ही मज़ा आता है, तो पीते रहते हैं हम, तो दादा ने मेरे लिए स्पेशली खरीद रखा है, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद इस ड्रिंक को देने के लिए। दारू तो पीते नहीं हम, बादाम पीते हैं। फाइनली हो गया शॉपिंग, बहुत सारा चीज़ लिया है, बट मुझे नहीं पता क्या क्या पड़ता है ये पनीर में। ये तो पीने के लिए है, ड्रिंक ये तो ड्रिंक है खैर, ये तो पीने के लिए है जो भी है, मतलब सिस्टम है ये। अंगूर बहुत सारे मस्त मस्त अंगूर हो रखे हैं यहाँ पे, भाई ले रहा है सेब और अंगूर। अंगूर ले ले यार, अंगूर खाने में मजा आता है। तो गाइस हम मुझे तो अंगूर खाने में बहुत ही मजा आता है। रिश्तेदारी निकल रही है गाइस, ये हैं इनके जमाई जी, तो ये देखो ये आपके जमाई है, ये 1 किलो जी मिले भी हो नान जमात, मिले भी हो ना पचन्ना मिगे मिगे ना पचन्ना मिगे, अरे मिले जमा भी हो इनू को नान गाइस, यार मुझे नहीं पहचान रहे इतने बड़े ब्लॉगर होने के बाद भी। चक्कर ये है हम दोनों की शक्ल नहीं मिलती, ये क्या चल रहा है, शक्ल नहीं मिलती ना हम दोनों की, देखो ये ये कटु सत्य है गाइस, हमारी शक्ल मिल रही है नहीं मिल रही है ना, मैं मम्मी पे गया हूँ, ये पापा पे गया है तभी ठीक है, ये सिस्टम है कि मम्मी और पापा में गए। हमने शॉपिंग कर ली है प्याज टमाटर की,
अब जा रहे हैं हम जूस लेने, हमारा जूस भी बचा है, जूस जरा लाना जरूरी है, जूस भी इम्पोर्टेंट है गाइस। ये देखो हमारे बिग फैन, देखो एकदम ठीक है गाइस, बाजार में बिग फैन मिलते रहते हैं। ये छोटी बच्ची, इनका भी ब्लॉग है, मैं इनकी ब्लॉग्स देखता हूँ रोज, जब भी मेरे चैनल पेज में आते हैं तो पक्का देखता हूँ मैं, ठीक है। चल चुके हैं घर को, अभी दिखाते आपको क्या लाए बता हम, जूस बुरास का अभी बना के दिखाते आपको कैसा होता है बुरास का जूस। घर आ चुके हैं, ठीक है, दिखाते आपको अभी जूस, बुरास का जूस ला चुके हैं हम, बुरास का जूस दिखाएंगे आपको, बहुत ही टेस्टी होता है बुरास का जूस और उसके फायदे भी बताएंगे। आप तो स्कूटी में जा रहे हैं, हमको लगा दिया है पैदल, ये देखो ये, और वो हमारा घर, और वो देखो अब बहुत टफ होता है हमारे यहाँ राइडिंग करना, घर तक रोड नहीं होती है पहाड़ों में गाइस। तो आपको अब हम दिखाएंगे जूस गाइस, तगड़ा जूस दिखाते आपको जूस। ओ बाबा हो, कस खा रहे हो पत्ती बाबा, देखो। सो गाइस ये हमारा ब्रूस का जूस जो उस दिन बुरास तोड़ने गए थे, अभी दिखाते हैं, एक डब्बा ये है, एक डब्बा और दिखाते हैं गाइस। ये देखो जूस, इसे कहते हैं जूस बुरास का, आपको भी पीना था हमारे घर आ जाना गाइस, ठीक है गाइस। फिर मिलते हैं आपको ब्रूस का, अभी बनाते हैं जूस कैसा होता है दिखाते हैं आपको, ठीक है, पियेंगे मस्त तरीके से, मजा आ जाएगा मतलब। ये बुरास का जूस और इसके बहुत सारे फायदे हैं, बताओ कैसे, जैसे कि इसके मतलब खून की हल्की कमी पूरी करता है ये, और बहुत सारे मतलब रोगों को मतलब ये करता है, हृदय से संबंधित जो बीमारियां होती है उनके लिए बहुत ही फायदेमंद ये जूस है, और ये पहाड़ों में मिलता है। आप लोगों ने तो पिया नहीं होगा, तो हम पियेंगे, ठीक है, आपने तो देखा भी नहीं होगा, हम दिखाएंगे, तो ऐसे पीने में बहुत ही मजा आता है इसको, ऐसा जूस बहुत ही दवाई जो है बिल्कुल गाइस, पूरा दवाई जैसा हो रखा है और बहुत ही टेस्टी है गाइस, जैसे एक दवाई नहीं होती सेम वैसा ही लग रहा है, बट टेस्टी बहुत है। गाइस आप किस किस ने ब्रूस का जूस पिया है कमेंट बॉक्स में बताइए कि हमने पिया है, और जिस जिसने ब्रूस देखे हैं वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और बहुत ही टेस्टी हो रखा है ये, मज़ा आ गया मतलब इसे पीने में। आज का ब्लॉग ब्रूस के जूस के साथ समाप्त करते हैं, क्योंकि आज संडे है, बाकी हमारा बाकी कार्यक्रम रात को होगा, तो रात को मैं ब्लॉग बनाना थोड़ा टफ पड़ जाता है। तो गैस आज का ब्लॉग यही ही समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं आपको कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तो फिर मिलेंगे, और ऐसे बेहतरीन ब्लॉग देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। अब हम कल जा रहे हैं कहीं घूमने, नवरात्रि लगने वाली है, तो नवरात्रि में जाएंगे तो मंदिर वंदिर दिखाएंगे बहुत सारे, फिर शादियों में सिस्टम हैंग करेंगे, ठीक है गाइस। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए चेस, बाय बाय।